नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कुछ खास मुद्दों पर और जो मुद्दे आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर हम बात करते हैं किस तरीके से आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्या लापरवाही हम बरत जाते हैं कि हमारी जान पर बात आ जाती है और किस तरीके से आप अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये तमाम तरीके के विषय लेकर हम हाजिर होते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में और आज भी हम हाजिर हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम को लेकर आप सभी के बीच और आज भी हम चर्चा करेंगे आपकी सेहत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आप तक पहुँचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पर उससे पहले आपको बता दें कि आज के हमारे इस खास टॉपिक पर कि हमारा खास टॉपिक क्या है, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी हमारे खास गेस्ट का। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अजय गुप्ता। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर अजय गुप्ता कैंसर फिजिशियन है। इनके साथ ही आपको बता दूँ कि डॉक्टर बबीता गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे मैम। डॉक्टर बबीता गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट हैं। इन दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ आज हम एक बेहद खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें आपकी सेहत पे जुड़ी हुई हैं और आपकी सेहत को प्रायोरिटी लेते हुए आज दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दर्शकों, आज का विषय है क्या प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है, क्या प्लास्टिक कैंसर कर सकती है, वो प्लास्टिक जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ ये हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारी बातों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैम, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आप एक घर भी चलाती हैं, क्लिनिक भी चलाती हैं, मरीजों को भी देखती हैं, तो एक मदर एक फैमिली में होने के नाते आप क्या देखती हैं, हम प्लास्टिक का कितना यूज़ करते हैं? प्लास्टिक सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो यूज़ होती है वो वाटर बॉटल्स में यूज़ होती है जी। हमें जो वाटर बॉटल यूज़ करना चाहिए वो अच्छे ब्रांड की प्लास्टिक होनी चाहिए और बाज़ार में जो डिस्पोजेबल वाटर बॉटल आती है उनको तुरंत हमें डिस्पोज कर देना चाहिए, उनको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपसे अगर बात करें, आप एक डॉक्टर हैं, मरीजों को भी देखते हैं, अपने आसपास का तमाम एरिया भी आप देखते हैं, हम प्लास्टिक के ऊपर कितने डिपेंड हो गए हैं आज के दौर में? मैं समझता हूँ कि आज कल प्लास्टिक के बिना कोई जीवन नहीं है। हर चीज़, चाहे वो खाने की है, चाहे वो हमारे यहाँ मेडिसिन है, सिरिंज है, कैरी बैग्स हैं, कोई बाज़ार से कोई सामान लेके आता है तो हर पैकिंग जो है प्लास्टिक की बनी हुई है। बिल्कुल, तो बहुत डिपेंड हो गए हैं हम लोग प्लास्टिक के ऊपर जी। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का मुद्दा है क्या प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है, तो इस मुद्दे पर तो हम बात कर ही रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक में किस तरीके के तत्व होते हैं, किस तरीके के टॉक्सिन होते हैं, ये आपसे पूछना चाहूँगी। प्लास्टिक के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं जी। इनमें ख़ास तौर से जो टॉक्सिन्स हैं, एक BPA कंपाउंड होता है जिसको हम बिस फिनॉल ए कंपाउंड जिसको कहते हैं, एक है DEHP डाईथाइल हेक्सी फिनोलेट एक कंपाउंड है जी। एक कंपाउंड होता है स्टायरीन, ये कुछ खास प्लास्टिक के अंदर मिलाया जाता है, और एक जो डायऑक्सिन करके कंपाउंड होता है जो कि आमतौर पर मिक्स नहीं होता है, प्लास्टिक के जलाने से वो एनवायरनमेंट में मिक्स होता है। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जो हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें जो BPA करके जो कंपाउंड है और DHEP जो कंपाउंड है, ये इनके अंदर जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स ईस्ट्रोजेनिक होते हैं। एक ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, इसकी वजह से ये बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, ये सारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं बॉडी के जी। हार्मोनल डिसबैलेंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं, कुछ हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होते हैं, जैसे टेस्टिस का ट्यूमर है,
प्रोस्टेट का कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है, ये तीन तरह के जो कैंसर हैं ये हार्मोन सेंसिटिव होते हैं और ये केमिकल्स इन कैंसर को कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो स्टायरीन एक कंपाउंड है, ये खास प्लास्टिक के अंदर होता है, ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, इससे मेमोरी लॉस हो सकता है और ये कार्सिनोजेनिक भी है, कैंसर भी कर सकता है। डायऑक्सिन एक कंपाउंड है, वो भी हार्मोन्स डिसबैलेंस करता है और जो इनफर्टिलिटी जो लोगों में होती है, इनफर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के अगर ये एक्सपोज हो जाए तो ये बच्चों में भी पहुँच सकता है और कंजनाइटल एनामोलीज जो होती हैं, क्लेफ्ट लिप, पैलेट वगैरह जैसी, ये इन बच्चों में कर सकता है। तो इस तरह से ये जो केमिकल्स हैं जो बहुत हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, लेकिन ये इतने हार्मफुल हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इसको टोटली बैन कर दिया है, कुछ टाइप की प्लास्टिक जिनमें ये केमिकल्स ज़्यादा होते हैं जी। तो ये बॉडी के लिए हैजार्डस है। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे केमिकल्स आपने बताए, कंपाउंड बताए, ये मिलाए क्यों जाते हैं पॉलीथीन के अंदर? इसका मिलाने का मेन कारण ये होता है कि प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है और ये थर्मल से या टेम्परेचर से इन पर इफेक्ट नहीं आता। एक BPA जो कंपाउंड है वो प्लास्टिक में इसकी जो शाइन है उसको बढ़ाता है जी। तो इसलिए लोग इसको लाते हैं, बिना इसकी जो प्लास्टिक है वो एक तो एक्सपेंसिव भी हो जाती है और दूसरा उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये लोग इस प्लास्टिक को के इन केमिकल्स को आमतौर पर मिलाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो हेल्थ एक्सपर्ट जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में बहुत छोटा है और हमारी सेहत का इसका कोई लेना देना नहीं है ऐसा हमें लगता है, लेकिन आज सी हेल्थ में हम क्यों बात कर रहे हैं प्लास्टिक के ऊपर, क्योंकि प्लास्टिक से क्या कैंसर हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हो सकता है तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, तो किस तरीके से हम बचें, इन तमाम सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। डॉक्टर बबीता गुप्ता, प्लास्टिक के बारे में सर ने बताया इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, तो यहाँ तक कि अगर ये पेन की मैं बात करूँ तो ये भी प्लास्टिक का पेन है, क्या हार्मफुल, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, इससे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इफेक्ट इन द सेंस थोड़ा सा क्लियर करें, इफेक्ट मतलब डॉक्टर कि किस तरीके से हम लोग जो डिपेंड इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, हम प्लास्टिक के कवर्स यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की हर एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसमें इतने सारे केमिकल्स हैं, तो हमारी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं जी, ये जैसे पानी की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, तो प्लास्टिक के अंदर ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे हम किसी फूड आइटम को किसी प्लास्टिक के पैकेट में रखते हैं तो फूड आइटम्स में ये केमिकल्स निकल के और वो बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं जी। जैसे हम प्लास्टिक को सपोज जलाते हैं तो जलाने से ये प्लास्टिक के अंदर जो खास तौर से डाइऑक्सिन करके कंपाउंड है ये एनवायरनमेंट में जाता है और एनवायरनमेंट में जाके जैसे पानी वगैरह बरसता है तो वो पानी के साथ ये डिसॉल्व होके मिट्टी में आ जाता है, या जितने भी वाटर के रिवर हैं या टैंक्स हैं उसमें आ सकता है और ये एनिमल में चला जाता है। ये कुछ लोग जो मीट वगैरह खाते हैं तो ये बॉडी के अंदर जाता है, इस तरह एक साइकिल बन जाती है और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में जाके और अपने जो दुष्परिणाम हैं वो देते हैं जी। डॉक्टर, क्या पानी की बोतल फ्रिज में रखना, क्योंकि अभी एक मौसम भी चल रहा है गर्मी का और लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, तो प्लास्टिक की बोतल को हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या ये सेफ है? हाँ, पानी की बोतल फ्रिज में तो रख सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल जी, अगर लेकिन अगर हम प्लास्टिक की जगह स्टील या कॉपर बोतल यूज़ करें तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है जी। और बाकी जो डिस्पोजेबल बोतल जो मैंने आपको बताया वो तो एक बार यूज़ करने के बाद डिस्पोज कर देना चाहिए, वो दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, हम लोग ट्रैवलिंग में जब भी जाते हैं या बाहर जब निकलते हैं तो गर्मी इतनी है, प्यास बहुत लगती है, तब हम लोग प्लास्टिक के ही ग्लासेस में जूस पीते हैं,
प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं और कहीं ना कहीं हम जो घर में पानी मंगाते हैं वो भी प्लास्टिक की कैन में ही मंगाते हैं, अगर हम बिस्लरी वाटर की बात करें तो, क्या इसका भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक है एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर पर ये प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं जी, लेकिन जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जैसे हम लोग कॉफ़ी वगैरह लेते हैं प्लास्टिक बैग में, तो वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, तो ये जो केमिकल्स हैं ये जो फूड आइटम्स हैं, जो भी गर्म आइटम है, चाय है, कॉफ़ी है, तो उसके अंदर मिक्स हो सकते हैं जी, और फिर ये बॉडी के अंदर पहुँच के, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्सिनोजेनिक भी है, ये न्यूरोटॉक्सिक भी है, फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डालता है, तो इस तरह से ये बॉडी के लिए हार्म कर सकता है। अगर हम ठंडी बोतल रखें तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये जो टॉक्सिन्स हैं वो पानी के अंदर या फूड आइटम के साथ ये अपना इफ़ेक्ट डालें जी। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक की क्वालिटी और आपने टॉक्सिन्स की जो बात की, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या निर्भर करता है ये प्लास्टिक की क्वालिटी पर? नहीं, बिल्कुल प्लास्टिक की क्वालिटी होती है। जो प्लास्टिक की आप कोई भी कंटेनर देखें, जो ख़ास तौर से जो ब्रांडेड कोई भी प्लास्टिक का कोई कंटेनर है, तो उसमें कुछ नंबर हैं वो एम्बोस्ड होते हैं, आप पीछे अगर उसको देखेंगे तो उनके वो एम्बोस्ड होते हैं नंबर, 1 से लेकर 7 तक ये नंबर उसमें हैं, और इसमें जो 3, 6 एंड 7 जो तीन तरह की जो नंबर वाली प्लास्टिक होती है वो डेंजरस होती है, उसमें ये टॉक्सिन जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे BPA है, DHEPA है, डिजॉक्सिन, ये ज़्यादा होते हैं और ये बॉडी पर हार्म डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मिनरल वाटर बोतल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें नंबर 7 वाला जो प्लास्टिक है वो यूज़ किया जा रहा है, नंबर 3 भी प्लास्टिक यूज़ होती है, नंबर 3 ज़्यादातर PVC जो होती हैं जिसमें हम बैग्स वगैरह होते हैं, और जैसे हम टॉयज़ होते हैं, बच्चों की टॉयज़ होते हैं, उनमें PVC करके जो प्लास्टिक है वो यूज़ होती है, वो बहुत हार्मफुल होती है, उसके अंदर BPA जो कंपाउंड है वो होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है जी। इसके साथ ही अगर जो डिस्पोजेबल आइटम है, जैसे प्लास्टिक के कप हैं, स्पून हैं, जो शादी जो हम लोग नॉर्मल जो मिलता है, तो जी, उसमें स्टायरीन करके जो कंपाउंड है वो उस प्लास्टिक में मिक्स होता है, तो इस तरह से जो 3, 6, 7 नंबर वाली जो प्लास्टिक हैं वो हार्मफुल हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी जो जितनी प्लास्टिक हैं 1, 2, 4, 6 और 2, 5 ये प्लास्टिक सेफ हैं, ये जितने भी ब्रांडेड अच्छी कंपनी के जो इतने लोग वो कंटेनर यूज़ करते हैं उनमें ये नंबर वाली प्लास्टिक होती है। तो एक प्लास्टिक का जो नंबर है वो हमेशा हम लोगों को चेक करना चाहिए कि अगर ये 3, 6, 7 वाली कोई प्लास्टिक यूज़ आप कर रहे हैं तो उसको आपको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, वो सिंगल यूज़ करना चाहिए, उसको कभी रीयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट अगर इनका देखें तो बॉडी के लिए हमेशा हार्मफुल है और ये एक कैंसर का कारण बन सकते हैं। ख़ास बात अपनी कंट्री में यह है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर बहुतों में तो नंबर लिखा ही नहीं होता कि प्लास्टिक कौन सी वाली क्वालिटी की है, तो ये केमिकल्स उसमें कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो क्वालिटी है प्लास्टिक की उसको चेक करें और अच्छी क्वालिटी के ही आप कंटेनर यूज़ करें, और सबसे अच्छी बात यह कि हम उसको अवॉइड करें, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, जहाँ अगर हो सकता है कोई अल्टरनेटिव है, ग्लास है या कोई स्टील है, हम लोग उसका यूज़ करें बजाय प्लास्टिक का जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने टॉयज़ की बात की थी, जो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, जब हम देखते हैं बच्चा रोता है हम उसे खिलौना पकड़ा देते हैं, और ये हर घर में ऐसा होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या उनके केस में भी हमें प्लास्टिक की क्वालिटी और प्लास्टिक का ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, प्लास्टिक जो बच्चे अपने मुँह में छवाते हैं तो प्लास्टिक के जो जो टॉयज़ होते हैं वो बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, वैसे तो बच्चों से उसको हमें दूर रखना चाहिए, कभी इस तरह नहीं देंगे, कुछ ब्रांडेड ऐसे टॉयज़ होते हैं जो कि अलाउ किए जा सकते हैं जी, लेकिन उसको आपको चेक करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नंबर लिखा रहता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 3, 6, 7 जो नंबर है, ऐसी प्लास्टिक को बच्चों को बिल्कुल ना दें, और उसको चेक करें, क्वालिटी करें, स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही
टॉयज़ वगैरह को यूज़ करें। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर फिजिशियन डॉक्टर अजय गुप्ता और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बबीता गुप्ता, जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं कैंसर किस तरीके से होता है, कौन कौन से होते हैं, ये हम तमाम चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर साहब के साथ। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्या प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है, और डॉक्टर साहब तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं हमको, क्योंकि दिन भर हम लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक की होती हैं। बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएँ हों या पुरुष हों, हम अपनी दिनचर्या में प्लास्टिक में इतना ज़्यादा हम लोग डिपेंड हो गए हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। अगर प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है तो आपको इससे बचकर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किस नंबर की प्लास्टिक आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप प्लास्टिक का यूज़ ना करें। जानेंगे डॉक्टर साहब से और मैम से कि किस तरीके से और सारी चीज़ों में अगर प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है तो कैसे बचें, क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में प्लास्टिक में अगर प्लास्टिक का यूज़ ना करना हो तो क्या क्या यूज़ करें, और प्लास्टिक का यूज डिस्पोजल कैसे करें। ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में कि प्लास्टिक को ख़त्म कैसे करें, डिस्पोज कैसे करें और इसे रीयूज़ कैसे करें। लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में, और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, दो हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर अजय गुप्ता और डॉक्टर बबीता गुप्ता, जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक और कैंसर के बारे में। प्लास्टिक क्या कैंसर कर सकती है, क्या प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है, ये एक मुद्दा है, ये एक विषय है अपने आप में जो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो अगर हो सकता है तो आपको बेहद बच के रहने की ज़रूरत है, लेकिन इस दिनचर्या में, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप प्लास्टिक का यूज़ करने से बच सकते हैं। किस तरीके की प्लास्टिक आपको यूज़ करनी है, तमाम सवाल जिनके जवाब दे रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले सवाल मैम आपसे करना चाहेंगे कि आजकल जो बच्चे, या आजकल की क्या बात करें, बच्चे टिफिन जो ले जाते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, मोस्टली प्लास्टिक के ही होते हैं। तो कैसे बचें और क्या हो सकता है उससे? हाँ, एक ये भी है, टिफिन बॉक्स जो होते हैं वो मोस्टली प्लास्टिक के ही होते हैं। बच्चे वैसे तो अल्टरनेटिव स्टील टिफिन बॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल बच्चे बिल्कुल ले जाना नहीं चाहते हैं उसको। मार्केट में इतने डिफरेंट डिजाइंस और कलर्स के प्लास्टिक बॉक्स, टिफिन बॉक्स आते हैं, तो उसमें उनको, बच्चों को इंसल्टिंग फील होता है ले जाना। बिल्कुल। और वैसे हम लोगों का तो ये होता है कि फूड अगर हम रख रहे हैं तो उसमें गर्म खाना ना रखें, पहले उसको ठंडा कर लें बिल्कुल, तभी उसको टिफिन में रखें, फिर उसको बच्चे को ले जाए, वरना जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फूड में रिलीज होंगे तो बिल्कुल से थोड़ा सा हार्मफुल होगा वो। जी डॉक्टर, हम लोग कई बार देखते हैं कि टिफ़िन की जब बात आती है या पानी की बॉटल की बात आती है तो हम लोग लोकल, हम कह सकते हैं अगर कुछ भी खरीद लेते हैं, सिर्फ पानी तो ठंडा करना है, सिर्फ खाना ही तो खाना है, क्या ये सोच सही है? ये तो है, लेकिन सिंगल यूज़ के लिए तो कोई हार्म नहीं है जी, लेकिन उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे अगर बाजार से पैक खाना मंगाते हैं, डिस्पोजेबल बोल जो आते हैं उसमें अगर हम माइक्रोवेव में डायरेक्टली रख देते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली रख देते हैं उसी बोल को फूड गर्म करने के लिए, तो वो बहुत हार्मफुल है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपरली माइक्रोवेव सेफ जो कंटेनर्स हैं उसमें ट्रांसफ़र करके तभी फूड को हीट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिस तरीके से बताया कि अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक को यूज़ करिए, नंबर देख के यूज़ करिए, बच्चों के टिफ़िन की अगर हम बात करें, या सेम क्वेश्चन जो मैंने मैम से किया कि प्लास्टिक की बॉटल्स की बात करें, तो इसकी भी हमें क्वालिटी अच्छे से देख लेनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, क्वालिटी जो प्लास्टिक की है, अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है कि भी आपने किया यूज एंड थ्रो, लेकिन जो प्लास्टिक का कंटेनर जिसको आपको रेगुलरली यूज़ करना है उसका क्वालिटी इशू बहुत बड़ा है। और जो क्वालिटी, जैसे मैंने बताया कि ख़ास तौर से 3, 6 और 7 वाली जो क्वालिटी है वो ख़राब क्वालिटी है, और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो अगर आप एक्सपोज हैं उससे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब भी आप पानी वगैरह का, फ्रिज वगैरह में जैसे बोतल वगैरह रखते हैं, तो आप वही क्वालिटी यूज़ करें जो कि अच्छी हो और ब्रांडेड कंपनी की हो।
बिल्कुल मैम, यहाँ पे बात करें प्लास्टिक के, हमने दुरुपयोग की बात की, प्लास्टिक जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी बात की, डिस्पोज कैसे करें प्लास्टिक, क्योंकि हम देखते हैं कि डिस्पोजेबल तो है ही नहीं, वो हम लोग यूज़ किए जा रहे हैं और वो सड़कों पर रखी रहती है, तो किस तरीके से डिस्पोज? हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। ये डिस्पोज करने के लिए हमें प्लास्टिक को जलाना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको जितने भी वेस्ट हमारे घर की प्लास्टिक जो होती है उसको एक बड़ा कार्टन या कंटेनर कोई रख लें अपने घर के कॉर्नर में, उसमें इकट्ठा करते रहें, फिर वो उसको दे दिया जाता है किसी कबाड़ी वाले को या फॉर रिसाइकलिंग, इस तरह से इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाता है प्लास्टिक का। जी नहीं, इसकी एक व्यवस्था बननी चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल, कि जैसे आप जब भी घर का जितना भी कूड़ा जो इकट्ठा होता है तो उसमें से आप हमेशा प्लास्टिक को एक सेपरेट कंटेनर में रखेंगे। जी। और ये जितनी फैक्ट्री वगैरह जिसमें ये बनती है प्लास्टिक, उनको उनका कोई भी बंदा आके उसको कलेक्ट करे और उसको रीयूज़ किया, रिसाइकिल किया जा सके। बिल्कुल, तो ये एक तरीका हो सकता है बजाय इसके कि आप उसमें कोई भी चीज़ डाल के और उसको आप सड़क पर डाल दें। क्यों प्लास्टिक की? क्योंकि यही प्रॉब्लम नहीं है प्लास्टिक के, और प्रॉब्लम्स भी, एक तो टॉक्सिन्स हैं जैसे हमने आपको बताया, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं प्लास्टिक की, जैसे बैग वगैरह लिया प्लास्टिक का, उसमें आपने कुछ फूड आइटम लेके बाहर फेंक दिया तो उसको जानवर खा जाता है, और क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होती है प्लास्टिक, इसलिए वो उसके इंटेस्टीन में जाके कहीं फंस जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन करती है। जी। ये जितने वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उसमें मैंने काफ़ी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी होती है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की है, और वो प्लास्टिक की वजह से है, तो कई सारे ऑपरेशन उनको जानवरों के करने पड़ते हैं इस प्लास्टिक की वजह से। दूसरा, ये प्लास्टिक जैसे आप लेते हो, आपने जगह जगह आप देखोगे कि नालियाँ बंद हो गई हैं, चौक हो गई हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि प्लास्टिक लोग सड़क पर फेंक देते हैं, हवा से वो नाली में चला जाता है और वो सीवर लाइन को उसको ब्लॉक कर देता है और जगह जगह जल का प्रभाव, क्योंकि ये प्लास्टिक गलती नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। सालों आप अगर प्लास्टिक होती है, एक साल पुरानी, दो साल पुरानी भी आप प्लास्टिक वैसी की वैसी निकल आएगी, तो इसलिए प्लास्टिक को का एक ही तरीका है, उसको आप रिसाइकल करें, ये फैक्ट्री वगैरह जो होती हैं जहाँ ये बनती है वहाँ ये वापस प्लास्टिक पहुँचे, पॉलीथीन वगैरह पहुँचे, और वो उसको गला कर फिर उसको रिसाइकल करें, यही एक तरीका हो सकता है। दूसरा, आप जो आजकल एक और जो एक कोई साइंटिस्ट हैं जो अभी न्यूज़ में आया, तो उन्होंने उसकी प्लास्टिक की अपने यहाँ हैदराबाद के हैं शायद, तो वो उन्होंने प्लास्टिक की अपनी रोड्स बनाई हैं, तो अगर रोड बनाना शुरू कर दें इस प्लास्टिक से, पॉलीथीन वगैरह जो निकली है, तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक से बनने वाली जो सड़कें हैं उसमें एक तो वाटर प्रूफ होती हैं, उसका जो बहुत लंबे टाइम तक वो प्लास्टिक की जो सड़क बनेगी, प्लास्टिक से अगर बनेगी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और वो जो और तरीके हैं उनके साथ उसको मिक्सअप करके भी बनाया जा सकता है। जी, खाली प्लास्टिक ना होके कि वी कैन मिक्स विद डावर एंड अदर थिंग्स जो कॉन्क्रीट रोड बनने के काम आ सकते, तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो एक वाटर प्रूफ रोड बन जाए, हो सकता है 10-15 साल उसका कुछ बिगड़े ही नहीं, तो इतना अच्छा यूज़ भी हो सकता है प्लास्टिक का। जी, लेकिन ये सारी एक प्लानिंग करके ही किया जा सकता है, अगर इंडिविजुअल आदमी तो नहीं कर सकता। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अब 15 जुलाई से पॉलीथीन पे भी बैन लग रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कुछ नया चेंज आएगा, क्या लोग समझ पाएंगे इसकी, जो प्रदेश सरकार जो करने जा रही है? सरकार के करने से मैं नहीं समझता कि कोई इसका कोई हल है, जब तक पब्लिक के अंदर ही अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक वो पब्लिक इस चीज़ के खुद उसके लिए तैयार नहीं होगी, किसी के थोपने से कोई काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल, तो जब तक पब्लिक को ये नहीं खुद की समझ में आएगा कि भाई ये प्लास्टिक की वजह से ये परेशानी हो रही है, तब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भी लोग हैंड बैग यूज़ करते थे, मुझे नहीं लगता कि उस समय किसी को प्लास्टिक के थैली वगैरह किसी को ज़रूरत पड़ती थी, तो वो एक हैबिट होती है आदमी की, तो वो आपको हैबिट बनानी होगी, प्लास्टिक को छोड़ना होगा, बैग वगैरह अपना घर से लेके जाना पड़ेगा, उस बजाय उसके कि वो हम वहाँ से पॉलीथीन लें, और वो जूट वगैरह की जैसी पहले चलती थी या कपड़े की बैग चलते थे,
उनको लोग यूज करें। लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, पहले के टाइम में बच्चे किसी चीज की ज्यादा डिमांड नहीं करते थे। पहले के टाइम में कुरकुरे और चिप्स के पैकेट्स नहीं होते थे, टॉफीज नहीं खाते थे बच्चे, घर का बना हुआ खाना खाते थे। अब बच्चों की डिमांड इतनी बढ़ गई है, मार्केट में प्रोडक्ट्स इतने सारे आ गए हैं, तो किस तरीके से फिर इन चीजों को लिया जाए? नहीं, एकदम आप अवॉइड नहीं कर सकते, 100% कहीं आप किसी चीज को नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है। जिसका कोई अल्टरनेटिव है तो आप उस अल्टरनेटिव को यूज़ करें, बजाय उसको एक उसको आप एक तरफ चल के नहीं साहब सभी चीज़ इसी की यूज़ करें। अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं कि भाई आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं या आप स्टील यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको यूज़ करें। बच्चों का रहा ये कि ये भी एक हैबिट वाली बात है, अगर आप उसको समझाएं बच्चे को भी नहीं ये कुरकुरे हैं या इसमें कोई प्लास्टिक का कोई वो है बैग है जिससे ये परेशानी, तो हो सकता है बच्चा समझ जाए, लेकिन कुछ हद तक तो हम उसको कम कर ही सकते हैं। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि क्वालिटी एक बहुत इशू है प्लास्टिक का, तो कोशिश करें कि जो अच्छी क्वालिटी का है उसी को यूज़ करें, डिस्पोजेबल है उसको डिस्पोज करें, उसको रीयूज ना करें। इस तरह से हम जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उससे हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ पे जानना चाहेंगे, लोग हम देखते हैं जगह जगह कूड़ा जलाते हैं और कूड़े में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ही होती है, तो किस तरीके से वो वातावरण को और हमारी सेहत पर प्रभाव डालती है? कूड़ा जलाने से वो उसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो काफ़ी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है जी, उससे हमारी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है उसका। बिल्कुल नहीं, जैसे हम लोग जैसे जलाते हैं जब भी प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें एक डाइऑक्सिन करके जो कंपाउंड है, वो डाइऑक्सिन कंपाउंड कभी जो प्लास्टिक के अंदर होता है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, तो इस एज सच डायरेक्ट उसका कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी उसको हम जलाते हैं प्लास्टिक को, तो ये डाइऑक्सिन मेन एक कंपाउंड है, कोई जो हैवी मेटल्स होती हैं जैसे मरकरी है, तो ये एनवायरनमेंट में जाते हैं और एनवायरनमेंट से ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग सांस लेते हैं हमारे अंदर जी, इसकी फ्यूम्स भी निकलती हैं। जैसे डाइऑक्सिन जैसे कंपाउंड मैंने बताया, इसकी फ्यूम्स जो है वो लंग्स पे इफेक्ट डालती हैं, तो वो लंग को डैमेज करती हैं, लिवर पे इफेक्ट डालती हैं। तो फ्यूम्स जो है वो जलाने से जो होती हैं ये प्लास्टिक को, ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक को जलाने वाला कोई दूसरा ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हम डिस्पोज कर रहे हैं तो हम प्लास्टिक को जला दें और ये डिस्पोज हो जाए। ये बिल्कुल इसको तो बिल्कुल ही आपको बैन करना चाहिए सरकार को कि कहीं भी कोई किसी तरह की प्लास्टिक को ना जलाए और प्लास्टिक को रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, वही एक तरीका हो सकता है जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि जो हमारा आज का विषय है, क्या प्लास्टिक से कैंसर हो सकता है, इसके बारे में पूछना चाहूँगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है, लोग हर एक इस समय बड़ी चर्चा में है कि प्लास्टिक कैंसर कर सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कैंसर कर सकते हैं, लेकिन अब तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, जितनी रिसर्च हुई हैं, उसके हिसाब से पाया गया है कि ये एनिमल्स पे जितने ट्रायल हुए हैं इसके प्लास्टिक के, उनमें ये अभी तक ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि प्लास्टिक ने किसी एनिमल में कोई कैंसर किया हो। तो अब तक जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से प्लास्टिक कैंसर नहीं कर सकती है, लेकिन अपने कंट्री में जो यूज़ हो रही है प्लास्टिक उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम शॉर्ट ही नहीं है कि जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं क्या उसमें इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स हों जो कैंसर कर सकें। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में हम ये शॉर्ट नहीं है कि ये प्लास्टिक कैंसर नहीं कर सकती है, कैंसर कर सकती है। ये डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये हो सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, अब ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ही होता है, इस वजह से हमेशा हमें ये लेके चलना होगा कि उससे प्लास्टिक को जहाँ हो सके अवॉइड करें। बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर फिजिशियन डॉक्टर अजय गुप्ता और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बबीता गुप्ता, जिन्होंने आपको तमाम जानकारियां दी हैं और आपको बताया कि किस तरीके से आप प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं उसको डिस्पोज हम कैसे करें, इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आपके इस क्वेश्चन का कि क्या प्लास्टिक कैंसर कर सकता है और आप क्या सावधानियां बरतें,
इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दर्शकों को हमारे शो के माध्यम से? जैसे मैंने आप अभी कहा कि प्लास्टिक कैंसर नहीं कर सकती, ये अब तक का जो प्रूव किया है साइंटिस्ट ने कि जो हम लोग रूटीन प्लास्टिक यूज़ करते नहीं करते, लेकिन हमें क्वालिटी देखना हो चाहिए जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, और कोशिश करना चाहिए किसी तरह प्लास्टिक को हम अवॉइड कर सकें। अगर कोई ऑल्टरनेटिव मिलता है तो उसका हम यूज़ करें और प्लास्टिक को कोशिश करें कि कम से कम यूज़ किए। जी बिल्कुल। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हाँ, मैसेज ये है कि जितने भी प्लास्टिक डिस्पोजेबल आइटम्स हैं वो हमको रीयूज़ नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना, इकट्ठा करके घर का जितना भी प्लास्टिक है इसको प्रॉपर इकट्ठा करके डिस्पोज करना चाहिए। तीसरा ये एक पैसे ये है कि माइक्रोवेव में अगर हम कोई प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोवेव फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप दोनों हमारे शो में आए और आपने तमाम जानकारियां और साथ ही भ्रांतियों को दूर किया और जानकारियां दी। तो इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे इस शो में फिलहाल इतना ही। हम अगले शो में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना खास ख्याल। नमस्कार।